स्वामी समर्थ के सेवा करिए, हम किसी भगवान को मानते नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी इसे निगेटिव एनर्जी लेके आएगा तो निगेटिव होके जाएंगे। अब नहीं, एक बार। नमस्कार जी। नमस्ते। नासिक से? नासिक से। तो आपने इससे पहले भी कैंप किया कहीं? हो, केवला में किया था। केवला में किया था। ये दूसरा कैंप है आपका? ये दूसरा कैंप है जी। पहले तो कैंप में मेरा वो जो स्टिक था वो बाबा ने छोड़ दिया था, वो ऐसा ही चल रहा था। मैं एक महीने से स्टिक को छोड़ के, अभी ये दूसरा कैंप में मेरा वो आज चौथा दिन था। कल आज लास्ट डे है। तो कल मेरा जो कैलिपर लगा था, मेरे को 40 साल से पोलियो था, वो पोलियो को इसको वेंज दो था, मेरा सब चोकअप था। अभी जो वेंस है मेरा सब चालू हो गया और मेरे को अभी आराम भी मिल गया और कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया बाबा जी। तो एक साल से डॉक्टर ने नहीं बोल दिया था वो बाबा जी कर सके। हम लोग थोड़ा बाहर भी जाके आए, फॉरेन भी रहे, लेकिन सब घूम के आए थे हम। सब ऑपरेशन किया भी तो सक्सेस नहीं हो सकता है, उन्होंने ऐसा बोला था डॉक्टर लोगों ने। उधर उदयपुर नारायण सेवा संस्थान में भी जाके आया था, उधर भी खाली उन्होंने कैलिपर लगा के दिया था। तो यहाँ कितना परसेंट फर्क है आपके? 50-60% पर भी मिल गया मेरे को, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया मेरा। तो पहले मेरा अब में क्या फर्क है? पहले क्या नहीं हो पाता जो अब होने होने लगा आपका? मेरा चल नहीं पाता था ना, मैं कैलिपर लगा के चल सकता था, लेकिन अभी बिना कैलिपर का भी कल से चलने का डेयरिंग आ गया है मेरे को, थोड़ा सपोर्ट लेने का। पहले एक मतलब काटी लकड़ी लेके वो कभी एक घंटे भी नहीं चले थे, तो अभी एक महीने से खुले ऐसे घूम रहे हो? ऐसे घूम रहे हैं। रहे। तो आपको जन्म से पोलिया कैसे? नहीं, जन्म सातवें महीने से। सात महीने का था तब से पोलियो था मेरा। जब से पोलियो था जी। 40 साल हो गए मेरा उम्र। तो अभी मेरे को इधर आया तो बाबा के कैंप में मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस। अभी बाबा जी का सत्कार रखा है हम लोगों ने। अच्छी बात है। तो आप तो और कौन कौन से रोगों करते हैं, ठीक है ये भी बताओ। डायबिटीज है, वो क्या पैरालिसिस है, सबको करते हैं बाबा जी। अभी सबको करते हैं जिनका मतलब श्रद्धा जितना दिखाओ तो उतना बाबा जी का इफेक्ट दिखता है, ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कुछ फर्क नहीं है, तो तुम ऐसे निगेटिव एनर्जी लेके आएगा तो निगेटिव होके जाएंगे, पॉजिटिव हो गया आएगा तो पॉजिटिव होके जाएंगे, ऐसा है ना? वो अपने ऊपर है ऐसा मतलब। और बाबा थोड़ा करते तो प्रोसेस अपने भी खुद में भी होना चाहिए ना, अपने में भी खुद करना का ये चाहिए, मन से तैयारी चाहिए ऐसा। मन से तैयारी तो बाबा नहीं कर सकते ना, डॉक्टर के पास जाते तो सब डॉक्टर नहीं कर सकते, जब थोड़ा बहुत हम भी करते हैं ऐसा। बाबा जी तो जिस प्रकार से बोलते हैं काम के, वो देखने के बाद वो भी कहते हैं कि एक घंटे इनको चलाओ, वो काम हम करते ही नहीं है तो वो कैसे ठीक है? हाँ, तो हम लोग कल एक घंटा घूमा, जो लोग मतलब गलत राय देते देखते हैं वीडियो वगैरह कमेंट करते हैं, उन लोगों को आप क्या राय देना चाहते हैं? क्या नहीं, लेकिन उन्होंने कैसा है भाव रख के आना चाहिए इधर। बाबा जी को ऐसा ये नहीं करना चाहिए, वो क्या हो जाता है निगेटिविटी लेके आते कुछ लोग, कुछ नहीं हमको कुछ फर्क नहीं मिला, हमको ऐसा ही, हमको तो बाबा ने हाथ ही नहीं लगाया, हमको तो देखा ही नहीं, ऐसा नहीं। जब माता जी उनको आज्ञा देंगी तभी वो अपने पास आते हैं ऐसा। आपको कितनी बार लगाया बाबा ने हाथ? मेरे को खाली दो बार चद्दर ओढ़ा था ये कैंप में। चद्दर ही ओढ़ा? चद्दर ही ओढ़ा, कल भी चद्दर ही डाला था और ऐसा पैर खींचा बस। चद्दर ओढ़ाने से आपको फर्क पड़ गया? मेरा जो वाटी है ना उसमें ऐसा एक पकड़ आ गई, गैप था उसमें। अच्छा। वो अभी वो गैप मतलब डॉक्टर बोले थे वो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता ऐसा, मतलब एक कल बाबा जी ने कर दिया। अच्छा। पैर भी मेरा ऐसा पीछे जाता था। अच्छा, पहले अब नहीं जाता है? अभी नहीं जा रहा, अभी आप चलने लग गए। 40 साल का पोलियो आपने बाबा ने दो शिविर में तैयार कर दो शिविर, हमको बाबा ने तीन शिविर बोला था। अच्छा, लेकिन मैं माता जी के ऊपर बहुत ये करता है। आपके मन में श्रद्धा है बाबा जी प्रति, इसलिए आप तैयार हो गए? मतलब हम स्वामी समर्थ के सेवा करिए, हम किसी भगवान को मानते नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी इधर आके हमें खुद मतलब एहसास हो गया कि जिधर जाओ उधर भगवान ही है, खाली श्रद्धा रखना चाहिए। पहले आप मानते नहीं थे भगवान को? ज्यादा मतलब मानते थे, लेकिन हम खाली स्वामी समर्थ के करते सब स्वामी समर्थ करते हैं ना। अब आपके हिसाब से सबको मतलब मानना चाहिए भगवान को? मानना चाहिए। शुरू में 5 दिन दिखाया, फिर आपने डॉक्टर को वापस दिखाया जाके? नहीं नहीं, वो इधर से ही लकड़ी छोड़ दिया था ना बाबा ने, मेरा कॉम्पिटेंस इतना बढ़ गया। मैं 6 बजे उठ के 2 घंटा घूम के आता था, पहले 1 घंटा नहीं एक मिनट नहीं चल सकता था लकड़ी से, तो दो घंटा घूमा मैं, मेरा वेट लॉस किया, 1 महीने के अंदर 3 kg वेट लॉस किया मैंने। अच्छा अच्छा, ऐसा
आपके बच्चे बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, वो तो बोले होंगे कहाँ पाखंडी बाबा के पास जाते हो, ठीक होते हैं? नहीं बोले उनको, उनको भी ये समझ गया क्योंकि आजकल के बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, 100 लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया इनको देख के। 100 लोगों का है ना, तो क्या अपने महाराष्ट्र की जनता को क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो बोले जिसको भी हम भी दुखी है तो उनको बोलेंगे बाबा के पास जाओ, लेकिन निगेटिव होके मत जाओ, पॉजिटिव होके जाओ। जो पॉजिटिव आता है उसी का इलाज होता है। तो आप पॉजिटिव होके आएंगे, निगेटिव होके गए तो निगेटिव होके जाएंगे। क्या हमारे रिश्तेदार थे, अभी उनका तीसरा कैंप है, जैसे आए वैसे ही गए, तो कुछ फर्क नहीं क्योंकि मतलब उन्होंने घर से यही सोच के फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हमने तो अभी बोला था बाबा जी को, ऐसा नहीं एक बार में फर्क गिरा, दो बार में गिरा, हम लोग जब तक फर्क नहीं गिरता तब तक आने वाले। बाबा जी ने खाली हमको बोला था 3 कैंप आना पड़ेगा तेरे को, दो कैंप में आपका फर्क पड़ गया, दूसरे कैंप में फर्क पड़ गया और तीसरा कैंप तो आना ही, अभी करना ही एकदम ठीक से। जब तक आपके जैसा नहीं चल सकता मैं तब तक बाबा की तरह। अच्छा, तो बाबा जी ने आपका 40 साल का पोलियो 2 शिविर में समाप्त कर दिया, कुछ पैसे वगैरह भी लिया? नहीं नहीं, जो अपना जो बोलते हैं ना भंडारा में दान दिया खाली। हाँ, हाँ, तो फ्री में से, फ्री में मतलब आपका इलाज कर दिया? कुछ भी नहीं लिया, 1 रुपये नहीं लिया बाबा जी ने मेरे से। तो आज माला वगैरह किसके बाबा जी के लिए लेके आए हो? क्या बाबा जी देवी के लिए, जिसने जी भैया ने अभी कैंप रखा है हाँ, उनके लिए भी इतने लोग उनके क्या आए, उनकी वजह से उन्होंने नहीं जगह दिया होता तो इधर आप ना आ नहीं सक पाते थे ना। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके मन में श्रद्धा है बाबा के प्रति, इसलिए आप बहुत जल्दी तैयार हुए, बहुत जल्दी। और इस तरीके से लोग जो श्रद्धा रखते हैं ना वो जल्दी तैयार होते जाते हैं, जो नेगेटिव आते हैं वो तैयार नहीं होते हैं। सही बात बताइए, बराबर जो नेगेटिव लेके आते हैं उसमें से किसी बाबा के पास नहीं गए आज तक, नहीं गए, नहीं गए, हमें पसंद भी नहीं हो चीज। सही बात, लेकिन बाबा जी के पास आके हमें ऐसा हो गया नहीं भगवान। मेरे को 40 साल के बोलता है ना, मेरे को 40 साल से पोलियो था, मैं ऐसा चल नहीं पाता था, लेकिन कल मेरे को बाबा जी ने उठा के चला दिया। खाली अभी मेरे को सपोर्ट आने में थोड़ा पतला है ना, ऐसा देखो 40 साल का दर्द तो धीरे धीरे नॉर्मल होगा। हाँ, अभी उसको क्या है पतला था, अभी थोड़ा मोटा हुआ है, मतलब एक महीने में ना थोड़ा उसको ग्रिप आ गया, और एक दो कैंप आएगा तो और ग्रिप बढ़ते जाएगा उसका, मैं भी प्रयास नहीं करेगा तो उसका नहीं होगा। सही बात है। ओके जी, जय माता, जय माता रानी।